यह कार्यक्रम पुलिस और मुजरिमों के बीच देश में हुई चर्चित शूटआउट की सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस कार्यक्रम में दिखाई गई तमाम घटनाएं पुलिस डायरी और पुलिस केस से ली गई। पुलिस डायरी से इस बार जो नाम बाहर आया है वो है यूपी का कुख्यात गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला का, जो 90 के दशक में यूपी में आतंक का सबसे बड़ा नाम था और जिसके लिए यूपी पुलिस को खास स्पेशल टास्क फोर्स तक बनानी पड़ी थी। श्री प्रकाश शुक्ला का शूटआउट 23 सितंबर 1998 को दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में हुआ था। जिंदा चाहते हो तो 1 करोड़, वरना बंदूक का सारा गोली इसके भेजे में उतार देंगे। नहीं भाई, पैसे पहुंच जाएंगे लेकिन 1 करोड़। अभी कितना तैयार है? 50 लाख। चल भेज, बाकी कल। ठीक है भाई। नाम याद रखना, श्री प्रकाश शुक्ला। गाड़ी ठोक दी, संभाल इसे जरा। न्यूज पढ़ा आपने? क्या हो रहा है इसमें और क्या कर रहे हैं आप लोग? पता है लोग डिपार्टमेंट पे हम पे हंस रहे हैं। सर कोशिश तो कर रहे हैं पर वो हाथ ही नहीं आ रहा है। कोशिश कर रहे हैं? हाँ कोशिश कर रहे हैं, जब चाहता है जहाँ चाहता है वो क्राइम करके निकल जाता है। वो बड़ा ही डेयरिंग है सर और बड़ा खूंखार भी है, AK-47 लेकर चलता है सर। यदि आप ये कहना चाहते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा मतलब ये नहीं है सर। आपका मतलब क्या है? मुझे इस रात में लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, समझ रहे हैं? और ये शुक्ला की कहानी जितनी जल्द से जल्द खत्म कर दीजिए, इसी में हम लोग सबकी भलाई है। मुझे शुक्ला की कुंडली चाहिए, समझ रहे हैं आप? जी जनाब। जी सर। ओके। अखबारों के पन्ने अब भी हर रोज उसी की सुर्खियों से रंगे होते। यूपी पुलिस हैरान परेशान थी, नाम पता था पर शक्ल कोई नहीं थी। बिजनेसमैन से उगाही, किडनैपिंग, कत्ल, डकैती, We'll be right back.
पूरब से लेकर पश्चिम तक रेलवे के ठेके पर एक छत्र राज, बस यही उसका पेशा था। और इसके बीच जो भी आया उसने उसे मारने में जरा भी देर नहीं की। लिहाजा लोग तो लोग, पुलिस तक उससे डरती थी। नाम है श्री प्रकाश शुक्ला, कुछ और जानना है? जय हिंद जनाब। जय हिंद। आपको एक खबर देनी थी, वो शुक्ला के बारे में। खबर पक्की है? जी सर, बिल्कुल पक्की है। वो एक दो दिन में जनपद आने वाला है। जनपद? वो कहाँ पे? वहाँ वो बेसमेंट वाले सैलून में आएगा। लेकिन हम इसको पहचानेंगे कैसे? सर, दो तीन हट्टे कट्टे लड़कों के साथ आएगा, चारों तरफ पुलिस लगा देंगे, सैलून पर नजर रखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, गोली नहीं चलनी चाहिए। और उसके पास AK-47 है जो एक बर्स्ट में दर्जनों फायर करती है। जाइए और ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। जी जनाब। खबर पक्की थी, श्री प्रकाश अपने तीन साथियों के साथ सैलून में बाल कटवाने आने वाला था। पुलिस ने चारों तरफ घेराबंदी कर दी, हर रास्ते पर पुलिस का पहरा था। जाहिर सब सादी वर्दी में थे। इसी बीच मुखबिर ने खबर दी। पुलिस और श्री प्रकाश शुक्ला के बीच ये पहला एनकाउंटर था। पर यह ऑपरेशन न सिर्फ फेल हो जाता है बल्कि पुलिस का एक जवान भी शहीद हो जाता है। इस एनकाउंटर के बाद श्री प्रकाश शुक्ला की दहशत पूरे यूपी में और ज्यादा बढ़ जाती है। ग्रुप से हम लोग का एनकाउंटर हुआ यहाँ पे हजरतगंज में, तो वहाँ हमारे सब इंस्पेक्टर पर उसने गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। तो उसके बाद कुछ ही दिनों बाद उसने जो है वो मुख्यमंत्री आवास के पास जो है वो फिर पूरी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ठेकेदार गिरोह था, उस पर हमला करके उन लोगों की हत्या कर दी। तो इस ढंग से जो है वो लगातार सनसनीखेज हत्याओं को करने के कारण जो है वो बहुत बड़ा बहुत खतरनाक सब क्रिमिनल जो है वो बन चुका था उस टाइम। कुमार, तुम्हारी बात ठीक थी, ये श्री प्रकाश बहुत खतरनाक हो चुका है। यस सर, इससे निपटने के लिए हमें एक स्पेशल फोर्स की जरूरत है जो सीधा DGP को रिपोर्ट करे। और हाँ सर, हमें सर्विलेंस इक्विपमेंट स्पेशलिस्ट की भी जरूरत है। DGP साहब, आप स्पेशल फोर्स के लिए अफसरों के नाम तय कीजिए, हम प्रस्ताव पारित करवाते हैं। ओके सर। चार मई 1998, यही वो तारीख थी जब यूपी के ADG अजय राज शर्मा ने राज्य पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को छांटकर स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। STF का पहला टास्क था श्री प्रकाश शुक्ला, जिंदा या मुर्दा। जिसको दुश्मनी है फौरन आके मार देगा, किडनैपिंग करेगा। उसके पास चार सदस्य थे, चारों के चारों यंग लड़के थे, चारों के पास AK-47 थी, चारों के पास 9mm पिस्टल थी और बहुत अच्छी गाड़ियों में चलते थे वो। जिस गति से वो अपराध कर रहा था उस गति से ये महसूस किया गया कि सिर्फ थाने की पुलिस बल जो है वो उसको नहीं पकड़ सकती है, और इसी कारण से एक डेडिकेटेड पुलिस ग्रुप का जो है वो गठन किया गया, जो जिसको आज STF के नाम से ख्यात है। इधर STF श्री प्रकाश की खाक छान रही थी और उधर श्री प्रकाश शुक्ला यूपी से निकलकर पटना पहुंच चुका था अपने करियर की सबसे बड़ी वारदात को अंजाम देने।
कत्ल बिहार के मंत्री ब्रिज बिहारी लाल का हुआ था। हंगामा लाजमी था, मगर इस कत्ल के साथ ही श्री प्रकाश ने साफ कर दिया था कि अब पूरब से पश्चिम तक रेलवे के ठेकों पर उसी का एक छत्र राज है। पर बिहार के मंत्री के कत्ल का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि तभी यूपी पुलिस को एक ऐसी खबर मिलती है जिससे पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। खबर थी ही ऐसी, श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी 6 करोड़। यह खबर एसटीएफ के लिए बम गिरने जैसा था। एसटीएफ को जो भी करना था अब फौरन करना था और उसने तय भी कर लिया। ब्रेक से पहले आपने देखा कि श्री प्रकाश शुक्ला बिहार के ताकतवर मंत्री का कत्ल कर चुका है। इस कत्ल ने बिहार से लेकर यूपी तक हड़कंप मचा दिया था और फिर इसके फौरन बाद आई इस खबर ने तो पूरी यूपी पुलिस को ही हिलाकर रख दिया कि श्री प्रकाश का अगला निशाना मुख्यमंत्री कल्याण सिंह है, क्योंकि उसने 6 करोड़ में मुख्यमंत्री की सुपारी ले रखी थी। अब आगे की कहानी। मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड क्या कह रहा है, कुछ पता चला? सर जो नया नंबर मिला था वो भी बदल गया है, लेकिन मोबाइल वही है। IMEI नंबर दिल्ली की लोकेशन से मैच कर रहा है। दिल्ली की लोकेशन से? दिल्ली में क्या कर रहा है वो? सर कोई लड़की है, लंबी बात करता है 2-2 घंटे। लड़की साला रसिया है। एक काम करो, लड़की का नंबर लिसनिंग पे डाल दो। ओके सर। मोबाइल यूज करने का बहुत शौकीन था, तो उसके मोबाइल को हम लोग ट्रैक करते थे और वो कई स्टेट्स में घूमता फिरता था। कभी बिहार में भी जाकर उसने मर्डर किए और नॉर्थ ईस्ट तक चला जाता था, दूर दूर तक, दार्जिलिंग शिलोंग उस तरफ भी जाता था, बंगाल तक जाता था। तो हम लोग उसके मूवमेंट को ट्रैक करते थे। उसने उस टाइम में बसंत बिहार में फ्लैट ले रखा था किराए पे, और उन्हीं फोनों के तहत ये पता चला कि वहां भी एक लैंडलाइन नंबर था और उस बसंत बिहार का जो फ्लैट था उस पे हम लोगों ने जो है सर्वेलेंस माउंट किया था, पीछा किया था, और तब हम लोगों की इसके ग्रुप के बारे में जो विशेष जानकारी प्राप्त हो पाई थी। पूरे रूट के ऊपर आदमी लगाए गए जो कि उसको मालूम नहीं था, और उस गाड़ी को देख रहे थे चलते हुए और वो आगे वायरलेस से बताते जा रहे थे किसकी गाड़ी यहाँ पहुंच गई, यहाँ है, यहाँ है। और फिर एक जगह पे हमने उसको घेर लिया। उसने गलती ये की कि खेत में भाग गया वो गाड़ी लेकर, वो खेत में पानी वानी लगा था या क्या था, उसकी गाड़ी फंस गई और चारों तरफ से गिर गया। वो सरेंडर करने वाला तो था ही नहीं। श्री प्रकाश बेहद चालाक था, उसे शक हो गया कि पुलिस उसका फोन सुन रही है। उसने फौरन अपनी गर्लफ्रेंड से अब पीसीओ से बात करनी शुरू कर दी, पर उसे यह पता नहीं था कि उसकी गर्लफ्रेंड का नंबर भी सर्विलांस पर है। सर्विलांस से पता चला कि जिस पीसीओ से श्री प्रकाश कॉल कर रहा है वो गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में है। खबर मिलते ही यूपी एसटीएफ की टीम फौरन दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। एसटीएफ किसी भी कीमत पर इस बार ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। डेल्टा कॉलिंग चार्ली। हाँ चार्ली, डेल्टा है। डेल्टा कॉलिंग चार्ली, डेल्टा कॉलिंग चार्ली। हाँ हाँ, बताओ क्या खबर है? सर हाँ? दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करने वाला है। हाँ, कितने लोग हैं उसके साथ? 3 लोग। किस गाड़ी में? सर सफेद रंग की एस्टीम है। ओके। कुछ देर बाद अचानक एसटीएफ को वो कार दिखाई देती है। कार जैसे ही वसुंधरा एनक्लेव पार करती है, एसटीएफ की टीम पूरी एहतियात के साथ उसका पीछा शुरू कर देती है। फॉलो करो, फॉलो करो। अब श्री प्रकाश की कार आगे आगे, पुलिस की पीछे पीछे। इसके बाद जैसे ही मौका मिलता है, एसटीएफ की टीम अचानक श्री प्रकाश की कार को ओवरटेक कर उसका रास्ता रोक देती है। अपना अपना पोजीशन ले लो, अपना अपना पोजीशन ले लो। श्री प्रकाश समझ चुका था कि एसटीएफ ने उसे घेर लिया है, लिहाजा बिना वक्त गंवाए वो और उसके साथी पिस्टल निकालकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। जवाब में एसटीएफ भी गोली चलाती है। आज AK-47 नहीं है,
वरना बताता इनको मैं। भैया जी अब क्या करें, हमें तो पुलिस ने चारों तरफ घेर लिया है। किसी तरह निकलने की कोशिश करो भैया जी। चिंता मत कर, छोड़ना नहीं है सालों को, सारी की सारी गोलियां उतार देंगे सीने पर। दिल्ली ना होता तो 147 मेरे पास होती। तू भी नहीं जानता श्री प्रकाश शुक्ला नाम है मेरा। शुक्ला अपने आप पर सरेंडर कर, तो सारी तरफ से घेर चुका शुक्ला। तेरे सरेंडर की तो ऐसी की तैसी साले। हाथ ऊपर करो। काश ये क्रिमिनल समझ पाते कि शूटआउट का कितना खतरनाक अंजाम होता है। यूपी पुलिस के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा और मुश्किल शूटआउट था। एक ऐसा शूटआउट जिसके लिए पहली बार राज्य में एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स बनानी पड़ी थी। श्री प्रकाश शुक्ला के खात्मे के साथ ही राज्य पुलिस ने सुकून की सांस ली, क्योंकि इस शूटआउट के साथ ही राज्य में किडनैपिंग, कत्ल और ठेकों को लेकर होने वाला खून खराबा कुछ वक्त के लिए थम गया। अब हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते वारदात शूटआउट स्पेशल सीरीज में एक और चर्चित शूटआउट की कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे।